क्लास में थोड़ा वो चली थी डिस्टर्बेंस में या नेटवर्क में प्रॉब्लम थी, तो इसलिए उसे नहीं क्लियर कर पाया। ये तो देखिए, मेरा था। जैसे कि मुझे आईडी बनाना है, आईडी में क्या है कि नेम है, तो नेम हो गया, ये हो गया हमारा डेजिनेशन, और ये हो गया डिपार्टमेंट, और ये हो गया डेट ऑफ ज्वाइन। जैसे नेम मैंने यहाँ लिख दिया सुजीत, और डेजिनेशन मान लीजिए कि इंस्टीट्यूट है, और डिपार्टमेंट मान लीजिए एचआर है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग आज की है। तो इसकी जो बनेगी, क्या बोलते हैं, सीरियल नंबर जो बनेगा वो सीरियल नंबर बनेगा कि एस, मतलब माफ कीजिएगा, ई एच स्लैश 2017 स्लैश वन, ठीक है। अब ऐसे नाम ऐसे नीचे लिखूं, जैसे यहाँ पे पूजा लिखा तो यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए कि वो अति है मैनेजर है एमजीआर, और वो काम करती है ऑप्स में, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग मान लीजिए कि आज की है। इसकी इसकी ऑटोमेटिक हम होगा, नहीं हो जाएगा एम ओ स्लैश 2017 स्लैश 2। तो इसके लिए हमने बताया था कि हम लैप से फॉर्मा लगाएंगे कि लैप, और हमने बोला कि एक लेटर इसमें से लेना है, एंड अगेन हमने लेफ्ट लगाया, और लेफ्ट में हमने बोला कि एक लेटर इससे लेना है। फिर कॉनकेटेनेट हमने किया यहाँ पे स्लैश, और फिर एंड प्रश्न लगाया, और मैंने ईयर का यहां से लिया ईयर इसमें से, और फिर एन परसेंट यहां पे स्लैश लगा देता हूं। लेकिन टू कैसे आएगा? टू जो है, टू लाना है कि टू कैसे आएगा, समझ गए? इस टू को निकालना है। तो जनरली अगर मान लीजिए करें कि मैं यहां से राइट करूं कि राइट, इसमें से मैंने एक लेटर को लिया और प्लस वन कर दिया, तो टू आ गया। लेकिन प्रॉब्लम कब हुआ कि जब ए, देख रहे, 7 8 9 10, 10 के बाद फिर एक से वापस स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम समझ में आया सर? क्योंकि हम हाँ इसको हाँ जी राइट हाँ से जी एक डिजिट, अगर दो डिजिट ले भी गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें दूसरी स्लैश के बाद का नंबर एग्जेक्ट करना, चाहे जितना डिजिट का ना हो, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? उसके लिए यहाँ पे हम देंगे कि ले, अब इसके लिए कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट होगा कि मैं यहाँ पे फाइन का लगाऊंगा कि फाइन, और मैं इसको सेलेक्ट करूंगा कि इसमें स्टार्टिंग से सेलेक्ट करें, ए वन आया या जो भी मान लीजिए कि नाम वगैरह होगा, यहाँ पे ऊपर मैं कर देता हूँ सिलेक्शन, या तीन आया, थ्री आया, फिर मैं एक और, अब मुझे इसका एक दूसरा स्लैश निकालना है, तो मैं यहाँ पे अगेन मिड लगाया, और इस मिड मिड पे माफ कीजिएगा फाइंड होगा फाइंड, और मैंने बोला कि स्लैश को ही ढूंढना है विद इन ब्रैकेट्स इसके अंदर। अगर मैं वापस यहाँ पे वन दे दूं तो वापस तीन आएगा, लेकिन मुझे वापस तीन फील करना है। मैंने बोला कि दैट प्लस वन, 8 आ गया। अब इन दोनों फॉर्मूला का हम इसमें मर्ज कर दें, मर्ज कर दिया, और फिर मैं इसको कॉपी करता हूं, यहां पे रखता हूं। तो राइट जो है, राइट लेना है मुझे कॉमा लेन, इसकी कंप्लीट लेंथ में से माइनस करना है फाइन।
A3 नहीं होगा, यहाँ A2 होगा, माफ कीजिएगा, ठीक है। और फिर इसमें हमने कर दिया प्लस वन, अब रिजल्ट सही है, ठीक है। समझ में आ गया जैकी जी? जी सर, ड्रैग करने के बाद, हाँ ठीक है सर। और जो साथ वाले हैं सर वो, हाँ ठीक है, ठीक है। अभी मैं आपको इसको एवलेट करके समझाता हूँ फॉर्मूले। देखिए पहले इसने MGR में से M को अलग किया लेफ्ट फॉर्मूले की मदद से, ऑफ में की इनसे O को अलग किया, फिर दोनों को इसने कंबाइन कर दिया, MO आ गया। फिर इसने N परसेंट कंबाइन किया और डेट में से सिर्फ ईयर को अलग किया और फिर इसको आपको कंबाइन कर दिया, MO/2017 आ गया और फिर इसको स्लैश को भी इसने कर दिया। अब आ रही है कि राइट का फॉर्मूले के माध्यम से इसका इसमें से सिर्फ वन को, ऊपर वाले जो नंबर है उसमें से वन को अलग कर ताकि सीरीज को आगे कंटिन्यू किया जा सके। फिर लेन फॉर्मूले ने क्या किया, इसकी कंप्लीट लेंथ निकाली और उसमें से पहला फाइंड क्या किया, पहला फाइंड जो है 3 निकाल के दिया, यहाँ 3 निकाल के दिया ना। फिर दूसरा फाइंड ने क्या किया कि उस तीसरे नंबर के बाद से ढूंढना स्टार्ट किया और इसने बताया कि दूसरा स्लैश कहाँ है। अब दूसरा स्लैश का लोकेशन पता चल गया तो इसकी कंप्लीट लेंथ में से दूसरा स्लैश हमें पता चल गया कि भाई 1 है, मतलब दूसरा स्लैश के माइनस से पता चल गया कि भाई स्लैश के बाद कितने लेटर्स है, तो 1 लेटर्स है। तो राइट ने उस लेटर्स को अलग किया और फिर उसने 1 जोड़ के 2 बना दिया, फिर इस 2 को इसने यहां कंबाइन कर दिया। क्लियर है? लेंदी है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर। सर प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी ना सर, एक जो चीज है जो हम वही कह रहे हैं सर, जो हम आपको नहीं दे सकते। नहीं नहीं वही मैं कह रहा हूँ, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, आपने जो हम जो कर रहे थे लास्ट क्लास में वी लुकअप की तरफ। हमने आपको वी लुकअप के फॉर्मूले में हमने लुकअप करना और लुकअप के अंदर हमने आपको एरे, उसके अंदर हमने आपको इसके क्या बोलते हैं कॉलम्स और मैच फॉर्मूले का यूज मैंने आपको बताया, राइट। तो आज की क्लासेस में हम आपको बताते हैं कि इफ फॉर्मूला, जैसे मैंने बताया था कि इफ फॉर्मूला हमेशा लेफ्ट टू राइट वर्क करता है। इस फॉर्मूला हमेशा लेफ्ट टू राइट की तरफ, मतलब कि जो डेटा आपने देखा इसमें इंप्लॉई कोड पहले था इसलिए आपने इसकी बाकी सारे चीजों को ढूंढ लिया, लेकिन यहां पे हमारा जो ये है चौथे नंबर शीट पे हमारा जो इंप्लॉई कोड है वो डी कॉलम में है। तो नॉर्मल वी लुकअप से हम यहां से ये सारे चीजें तो लुकअप कर सकते हैं, बट इससे पीछे की चीजें को हम लुकअप नहीं कर सकते, राइट। तो कैसे करें, तो इसके लिए हम एक कंसेप्ट अपनाएंगे। जैसे मैं तीसरे नंबर का चाहिए तो हमारे पास मैच का फॉर्मूला है जो कल बताया था मैंने कि वो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों चलता है। तो इसने इसमें से ढूंढा और इसका सीक्वेंस नंबर दे दिया, 3 जो है चौथे नंबर पे, मतलब कि यहां से इसने काउंट 1 2 3 4 कि चौथे नंबर रो पे। अब मुझे चौथे नंबर रो और पहले नंबर कॉलम का डेटा चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है इंडेक्स का। इंडेक्स से हम डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें हमने बोला कि तीसरे चौथे नंबर रो और पहले नंबर कॉलम, चौथे नंबर रो और पहले नंबर कॉलम हमारा डेटा आ गया। समझ में आया आप लोगों को? सिलेंडर जी आपको समझ में आया?
एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे सर इसे? देखिए क्या था कि हम अगर वी लुकअप लगाएं तो वी लुकअप की प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इसमें से इसको सेलेक्ट कर लिया तो मुझे यहां से सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा, हमें यहां से ही सिलेक्शन करना पड़ेगा। वी लुकअप के अंदर सेटिंग है कि जो कॉलम हमारा पहला होता है उसी में वो आपका नंबर को मैच करता है, जी जी ठीक जी है। लेकिन हमारा डेटा कुछ इस तरह से हो गया कि मेरा जो इम्प्लॉय मतलब कि यूनिक आईडी है जिसके अकॉर्डिंग हमें मैच करना है वो चौथे नंबर कॉलम पे, मतलब कि चौथे नंबर कॉलम के बाद की सारी वैल्यू वैल्यू का ढूंढ के दे सकता है, लेकिन उससे पहले की वैल्यू ढूंढ के नहीं दे सकता है। ओके तो हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये खाए तो मैं इसको उसको उठा के इसके पीछे लेके पेस्ट करके फिर नॉर्मल वैल्यू का लगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं हाँ करना चाहता क्योंकि इससे डेटा बिगड़ जाएगा, तो डेटा को हम बिगाड़ना नहीं चाहते। जी तो हमारे पास एक फॉर्मूला है मैच का। मैच फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी यूनिक आईडी किसी भी नंबर को एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों केसेस में ढूंढता है और जहां मिल जाते हैं मैच मिल जाता है उसका सिक्वेंस नंबर काउंट करके देता है। जैसे तीन मैच किया, तीन कितने मैच किया, चौथे नंबर सेल पे मैच किया, 1 2 3 4, मतलब रो नंबर से मतलब नहीं हाँ है, 3 भी देगा तो 4 ही देगा ये। ओके जी जी अब हमारे पास एक फॉर्मूला है इंडेक्स का। इंडेक्स फॉर्मूला बोलता है कि एक एरिया को सेलेक्ट कर लो, एक डेटा रेंज को आप सेलेक्ट कर लो, उसमें आप जोन सा रो नंबर बोलोगे जोन सा कॉलम नंबर बोलोगे उसको हम काउंट करके दे देंगे। यहां से काउंट करेगा कि चौथा नंबर रो यहां पे करेगा 1 2 3 4 और पहला नंबर कॉलम मतलब ये ही है इसका डेटा इशू कर देगा। और इसका भी इसकी कॉलम और रो से मतलब नहीं है, कहीं भी रहेगा तो काउंटिंग करेगा, मैचिंग नहीं करता है काउंटिंग करता है। ओके इसका एक प्रॉब्लम क्या है कि आपको अपना डेटा रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा, के रेट में डेटा हो सकता है घटे और बढ़े तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो मैच तो रहेगा ही रहेगा, मैच तो यहाँ पे होना ही होना है, लेकिन हमारे पास एक और फॉर्मूला है ऑफसेट का। ऑफसेट बोलता है कि जस्ट लाइक इंडेक्स की तरह काम करता है, लेकिन इसके अंदर हमें पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। हम सिलेक्ट करेंगे स्टार्टिंग ऑफ द डेटा, हमने बोला कि A1 से जाओ और चौथा नंबर रो चौथा नंबर को पर प्रॉब्लम क्या है, ऑफसेट इंडेक्स तो 1 2 3 काउंट करता है ना, और ऑफसेट जो काउंट करता है 0 1 2, तो 0 लग जाता है मतलब कि एक नंबर आपको घटाने पड़ेगा। तो ये क्या करेगा कि A1 से 4 3 रो कॉलम 0 क्या करेगा 0 1 2 3 और 0 कॉलम इसका डेटा दे देगा। तो जब भी आपको राइट टू लेफ्ट लुकअप करना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जी सर डाउट इसमें? नहीं सर। ये था हमारा, हम लोग इसको आम भाषा में उल्टा वी लुकअप भी कहते हैं, हम लोग कहते थे अपने ऑफिशियल लाइफ में, ठीक है। हेलो हाँ हेलो बोलिए सर। वी लुकअप तो अगर मान लो कि एक नेम दो नेम से है, मान लो दो नेम सेम है तो सेकंड को कैसे मैच, सेकंड को कैसे मैच करेगा? उसके लिए भी एलिजिबल, उसके लिए आप अभी एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल हो जाएंगे तो बता देंगे आपको, ठीक है। ये समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं एच लुकअप की। अभी जो डेटा हमारा था वो डेटा हमारा वर्टिकली था, राइट।
अब मेरे पास जो डेटा आया तीसरे नंबर शीट में होजन का, मतलब जो इम्प्लॉय कोड है वो इस तरह से नहीं है, इम्प्लॉय कोड जो है इस तरह से। अब मुझे दसवें इम्प्लॉय कोड का सैलरी निकालना है, तो VLOOKUP यहाँ पे काम करेगा नहीं, क्योंकि डेटा हमारा हॉरिजॉन्टल है। VLOOKUP कभी रो में सर्च नहीं करेगा, वो हमेशा कॉलम में सर्च करेगा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, मैं यहाँ पे हायर को एच लुकअप लगा दू, एच लुकअप, लुकअप वैल्यू टेबल हम अपना सिलेक्ट करेंगे और यहां पे देंगे कॉलम इंडेक्स नंबर, रो इंडेक्स नंबर, मतलब कि काउंट करेंगे सैलरी चौथे नंबर हो गया है तो चार, एंड कॉमा जीरो पे इंडेक्स मैच, मतलब कि आपको बिल्कुल वी लुकअप इतना लगाना है बट डेटा को सिलेक्ट करना है वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली, आपका रिकॉर्ड आ जाए। और बाकी सारे चीज जो वी लुकअप पे करते हैं यहां भी हम कर सकते हैं। तो एज लुकअप समझ में आया आप लोग को? हेलो, बोलिए सर। ये समझ नहीं आया थोड़ा, क्या समझ में नहीं आ रहा है फॉर्मूला आपके सामने, रिजल्ट आपके सामने, बताइए क्या समझ में नहीं आ रहा? प्लस समझो नीड, नीड क्यों है आपके इस लुकअप, यहाँ पर वी लुकअप क्यों ले रखेगा? हरीश जी यहाँ बताइए वी लुकअप क्यों ले रखेगा? वी लुकअप नहीं लगेगा सर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है ना डाटा, सर हॉरिजॉन्टल वो है ना सर, हॉरिजॉन्टल है ना ये, हां डेटा हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल को वी लुकअप करने के लिए एच लुकअप बनाऊंगा, जैसे वी लुकअप वर्टिकल को लुकअप करता है, जैसे एच लुकअप हॉरिजॉन्टल को लुकअप करता है, जैसे वी लुकअप लगाते हैं सर एच लुकअप लगाते हैं, बस यही है। तो वी लुकअप में आप लोग कॉलम नंबर देते हैं, यहां पे रो नंबर देना, इसमें कोई तो रॉकेट साइंस है नहीं जो समझना है, सिंपल है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है बने। हाँ लेकिन इसको एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं, ये जो हमने अभी आपको बताया ना उल्टा VLOOKUP का मेथड, इस उल्टा VLOOKUP के मेथड से हम निकाल सकते हैं। कैसे? मैच, मैच जो है वो एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों चलता है, तो मैंने बोला कि इस इंप्लॉय कोड को कॉलम रो वन में सर्च करके बताओ। इसने बताया कि 11 नंबर काउंट पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। अब मैं यहां पे खाए तो इंडेक्स लगा लू कि इंडेक्स, और इंडेक्स में मैं पूरा डेटा सेलेक्ट कर लू और बोलू कि चौथा नंबर कॉलम और 11वां नंबर, तो चौथा नंबर रो एंड 11वां नंबर कॉलम, रिजल्ट आ जाएगा। या फिर मैं यहां पे ऑफसेट लगा दूं और हम एक स्टार्टिंग का डेटा बोलूं और बोलूं कि तीसरा नंबर रो और 11-1 कॉलम, क्योंकि रो हमेशा इंडेक्स से एक कम लेता है, क्योंकि इंडेक्स एक से काउंट करता है, रो जीरो से काउंट करता है, इसलिए एक कम देना होता है। तो एच लुकअप लगाओ या मैच इंडेक्स लगाओ या मैच ऑफसेट लगाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हरीश जी, जैकी जी एंड पुनीत जी, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, ठीक है। अरे ये फाइल शेयर कर देना, जरूर, ये फाइल मैंने कल भी शेयर की थी, शायद फाइल और रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग सर, और रिकॉर्डिंग तो मैंने अपलोड कर दिया ना, सारी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी, मिल गया होगा आपको। हेलो हेलो, हाँ बोलिए जैकी जी, आपके साथ एक साथ बहुत चीजों का मजा कैसे ले सकता,
नहीं सर, वो पीछे से बैकग्राउंड चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है उससे, नीचे जाऊँ तो बोलिए आप बोलिए क्या बोल रहे हैं। हमें क्या था, वीडियो है ना सर वो अपलोड कर दिया, लेकिन नहीं तो मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। वीडियो तो अब तक अपलोड है, अभी का वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, यूट्यूब से देख लीजिएगा, और कल सुबह तक जो है आपको ये चला जाएगा किसमें टाइम में। फाइल आपके साथ सिलेंदर जी आज हमारे साथ ज्वाइन है, तो सिलेंदर जी को तो मैं ड्राइव का एक्सेस नहीं दे सकता फिलहाल, तो इनके लिए अपने वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो फाइल अपलोड कर लीजिए सर, ये फाइल मैंने आपको भेज दिया है, ठीक है। तो VLOOKUP पे प्रैक्टिस कीजिए, मैं VLOOKUP पे टाइम ज्यादा दे रहा हूँ इसीलिए ताकि प्रैक्टिस करें, कल मैं और ज्यादा लुकअप के अंदर और भी ज्यादा कंडीशंस जो है हम आपको बताएंगे, मल्टी कंडीशंस और बहुत सारे ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है।